गुड मॉर्निंग बच्चों से आज मैं आपको सेवेंथ क्लास का छुट्टी पत्र क्या लिखेंगे। आज हम लोग कौन सा लेसन लेंगे? छुट्टी पत्र। सिक्स्थ लेसन छुट्टी पत्र। छुट्टी पत्र अंटे एंटिदी? सो सब लोग अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 31। छुट्टी पत्र अंटे एंटिदी? सो लीव लेटर। छुट्टी पत्र अंटे एंटिदी? छुट्टी अंटे लीव, ओके। लेटर पत्र अंटे लीव लेटर। सो लीव लेटर अंटे एप्पुडैना मीरु इंटि दग्गर उंडालनंटे एं चेयाले? खच्चितंगा मी स्कूल वेल्ते लीव लेटर खच्चितंगा इव्वाले कदा। मीरु एंदुकु रालेदु दानि बट्टि कारणालु इव्वालि। ఏం చేయాలి? కారణం ఇస్తాము. ఏమని కారణం ఇస్తారు? మీకు ఒకవేళ ఫీవర్ వచ్చినా, ఎవరైనా మ్యారేజ్ కి వెళ్ళినా, ఏదైనా ఫంక్షన్స్ కి వెళ్ళినా, అంటే ప్రతి ఒక్కటి కారణం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాన్ని చుట్టి పత్రగా అంటాము. సో లీవ్ లెటర్. సో సబ్ లోగ్ ఆప్ లోగ్ ఆప్ నా పేజ్ నంబర్ 31 నికాలియ్. సో పేజ్ నంబర్ 31 చుట్టి పత్ర. సో దేఖో చుట్టి పత్ర మే క్యా హై? సో అభీ అభీ కే జో సిచువేషన్ మే జో అభీ కా జో హై జనరేషన్స్. सो अभी का जनरेशन में खाली फोन करते हैं, से कॉल जैसी मार्ट लड़ता हूँ, लेकुंडे ऐना इनविटेशन नहीं आला ने दगेर उन्हें वेली चपता हूँ, से अपुरु काला मने उन्हें जुड़न्दी, अपुरु काला मन अंटे मनों को एवर कहना लेटर इवाला नंटे मनों को ये देना पिटल तोड़ी पंपीडम जरगिंदे अपुरु पिटल तोटे ना पंपेडम जरगिंदी लेकुंटे अपुरु पोस्ट ऑफिस अंटे मनकु मनकैना दूरं चुट्टालुन्नोल्लकु एम चेयालनंटे अपुरु फोन इवी लेकुंडे अपुरु फोन लेकपोते मनं एम चेसिनप्पुडु डब्बलुंडे इट्ला इक्कड गनवडुतुंदा मीकु छुट्टी पत्र इवि चूडंडि अप्पुडु एदैना पत्र रासियाले एवरिकैना लेटर रासियाले एवरैना मनकु मेसेज पंपियाले कि मा इंट्लो मैरेज उंदि एदैना फंक्षन उंदि अनि पंपियालंटे इट्ला पावराल तोटि पंपियडं लेकुंटे इट्ला डब्बा रेड कलर डब्बा उंटुंदि पोस्ट डब्बा दानिलकु लेटर ओक वारं मुंदु पंपियडं जरुगुंदि चूडंडि अप्पुडु लेटर इदि एमंटारु लेटर नि लेटर पंपिंचिन आयन एमंटारु पोस्टमैन क्या बोलते हैं? पोस्टमैन। तो ये पोस्टमैन ये डब्बे में से जो पत्र निकाल कर जो पत्ते पर जो पता लिखा जाता है वो पत्ते पर वो लोग भेजते हैं। सो ये पोस्टमैन एम चेस्तारंटे आ रेड रेड एंड ग्रीन उंटे चूडंडी आ पोस्ट डब्बलु ग्रीन डब्बलंटे मनकु वच्चिन लेटर्स वस्तायी पोस्ट अंटे मनं इक्कडिकि वेल्लि पंपियडं जरुगुतदि ओके आ लेटर नि पोस्टमैन तीसुकोनि वच्चि आ मन उन्न अड्रस् मीद आ लेटर పంపేడం జరుగుతది చూడండి అప్పుడు కాలమన అంటే ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ లేక ముందు అట్లా పావరల తోటి ఇచ్చి లెటర్ పంపేడం జరిగింది ఈ తర్వాత కాలం మారింది తర్వాత పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చి మన లెటర్ కానీ ఇప్పుడు మాత్రం లెటర్ ఎవరైనా పంపిస్తున్నారా ఎవర్ పంపే ఇప్పుడు ఏదైనా మనకు ఎవర్ దగ్గర చుట్టాలు దూరం చుట్టాలు వెళ్ళాలంటే ఒక కాల్ చేస్తే అయిపోతది లేకుంటే మనకు వెళ్ళాలంటే వెళ్లి ఇన్విటేషన్ కార్డ్ ఇస్తాము లేకుంటే ఒక కాల్ చేస్తే మన ఈ ఇన్విటేషన్స్ పోడం सर देखो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है देखो इसमें क्वेश्चन दिए हैं चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है सर चित्र में कबूतर दिखाई दे रहा है लड़का दिया है दिखाई दे रहा है पोस्ट डब्बा दिखाई दे रहा है पोस्टमैन दिखाई दे रहा है सो बाद में देखो कि क्या क्या दिखाई दिखा है पत्र दिखाई दे रहा है सो पत्र क्यों लिखा जाता है ये लेटर ఎందుకు రాస్తారు మీరు ఏం సమాచారం ఇవ్వడానికి पत्र రాయడం జరుగుతది पत्र अंटे लेटर देन गुरिंचि रायगलुगुतारु सो लेटर मन एदैना पत्र अंटे मन दूर बंधुलकु मनकु एदैना समाचारं इव्वडानिकैना लेकुंटे मन एदैना पेल्ली मैरेज एवरिकैना मेसेज इव्वडानिकि मनमु ई लेटर रास्तामु वारु तेलवडानिकि ई लेटर रास्तामु देखो लड़का चिट्ठी लेते हुए डाकिया से क्या बात कर रहा होगा आ बालुडु अंटे आ अब्बाई डाकिया अंटे पोस्टमैन हिंदी में उसको क्या बोलते हैं डाकिया सो आ डाकिया से क्या बात कर रहा होगा अंटे आ लेटर తీసుకున్న తర్వాత ఏమని చెప్తున్నాడు ఈ లెటర్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఎవర్ రాశారు అని అడుగుతున్నాడు ఓకే సో ఈ బాద్ మే దేఖియే ఆప్కు సో ఇదర్ లెటర్ లెటర్ దియా హై కైసే లెటర్ లిఖా జాతా హై ఎగ్జాంపుల్ దేఖో 7th క్లాస్ మే టాండు సో ఆప్కా విలేజ్ టాండు ఓకే दिनांक मीन्स डेट
13/8/2012 ये कभी लेटर लिखा है, जैसे जब भी आप लेटर लिखेंगे वो डेट लिखेंगे 13/8/2012। सेवा में से नमस्कार। ओके, प्रधान अध्यापक जी किसको लेटर लिखा है, ये प्रिंसिपल सर को लेटर लिखा है। प्रधान अध्यापक जी सरकारी माध्यमिक पाठशाला, सरकारी अंटे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल सर अंटे प्रधान अध्यापक की इधी लेटर राशार तांडूर नुंडी, एकड़ नुंडी तांडूर। महोदय सर रेस्पेक्ट गा सर अनि मात्लाडुतुन्नामु, मेरी दीदी का विवाह हैदराबाद में होने वाला है। सो मा अक्का मैरेज हैदराबाद ला उंदी, मैरेज अंटे मेरी दीदी अंटे मा अक्का दी मैरेज, विवाह अंटे एंटिदी मैरेज, हैदराबाद में अंटे हैदराबाद ला अवुतुंदी, होने वाला है। सब शादी में जा रहे हैं, अंदर पेली की वेल्तुन्नारू, मैं भी जाना चाहती हूँ, नेन गुड़ा वेल्लालनि अनुकुंटुन्नानू, इस कारण मुझे दिनांक 14/8/2012 से 16/8/2012 से 14/15/16 अंटे तीन दिन अंटे मूड रोज नकु लीव कावाले अनि अम्माई चेप्तुंदी। एंदुकु ना दीदी अंटे मा अक्काय मैरेज हैदराबाद लो उंदी, अंदर मैरेज की वेल्तुन्नारू, नेन गुड़ा वेल्लालनि अनुकुंटुन्नानू, अंदुगुरिंची नाकु मूड रोजुलु अंटे 14/8/2012 से 16/8/2012 तक तीन दिन की छुट्टी देने की कृपा करे। नाकु इदी मूड रोज सेलो इवडानिकी कृपा चेयंडि अनि अंटुन्नारू। धन्यवादामु इस्ते आपके आज्ञाकारी छात्र अंटे मी आज्ञाधारी छात्रमु मेधा अम्माई पेरु क्रमांक। सो मन आपका रोल नंबर है वो और कक्षा सातवी। सो ये आप क्या करेंगे, आपको ये लेटर आएगा, नहीं तो आप दूसरा लेटर भी लिख सकते हैं। सो वैसे कैसे ले, आपको लेटर लिखने के लिए आता है, सिक्स्थ क्लास से ही लेटर है आपको। सो आपका ये गांव का नाम, दिनांक, आप किसको लेटर लिखते हैं, सो ऐसे ही लिख सकते हैं। सेवा में प्रधान अध्यापक जी, सो वेदा पाठशाला कुकनूरपल्ली। ओके, बाद में महोदय, सो आप इधर मैटर चेंज भी कर सकते हैं। सो मेरे दीदी का शादी भी, मेरा भैया की शादी, सो नहीं तो हमारे इसमें 21st डे फंक्शन। सो मेरे दीदी का विवाह हैदराबाद के बदल आप दूसरा भी नाम रख सकते हैं, मुंबई। सो किधर भी, कुकनूरपल्ली, चिन्नकिस्सा, कोई भी ऐसे हैदराबाद में होने वाला है, मैं सब लोग जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ, आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए उतने दिन तक आप लिख सकते हैं, छुट्टी चाहिए देने की कृपा करें। सो बाद में इधर देखो, बराबर पत्र कैसे लिखाया जाता है, जो ये लाइन से है। सो एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ये छुट्टी पत्र इधर आपका कुकनूरपल्ली। ओके, सो इधर से ही सेम, इधर कुकनूरपल्ली, इधर दिनांक आएगा, दिनांक। सो ये आपका जो दिनांक है वो। ओके, सो बाद में जो ये नेक्स्ट लाइन पे भी आएगा वैसे ही इधर तक आपको मैं सेवा में। ओके, सो बाद में इधर से स्टार्ट होएगा, आप किसको लिखेंगे, प्रधान अध्यापक। हाँ, प्रधान अध्यापक वेदा इंग्लिश पाठशाला, बाद में कुकनूरपल्ली। ओके, सो ये सेम आना चाहिए, बराबर समझ में आया। सो बाद में जो आप मैटर लिखेंगे फिर से वन लाइन लीव करके ये मैटर इधर से लिखेंगे, महोदय। ओके, महोदय के बाद में ये जो कॉमा आएगा सो सही से लिखिए, बाद में लेकर इधर से स्टार्ट होएगा। सो ये अपना छुट्टी पत्र का, तो जो आप लेटर लिखेंगे दो लाइन तीन लाइन। ओके, ये बाद में जो होने के बाद, जो कंप्लीट होने के बाद इधर बीच में क्या लिखेंगे, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद लिखने के बाद जो इधर का जो आपका है नेक्स्ट लाइन, सो आपकी आज्ञाकारी छात्र। सो ये मैटर,
सो ये लिखा जाएगा आपका क्रमांक, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं उसके बारे में। सो समझ में आई ये लेटर का जो ये फॉर्मूला कैसा रहता है। इधर जो आप लिखेंगे लीव लेटर, सो बाद में इधर आपके विलेज का नाम, वैसे ही थोड़ा आगे जाकर दिनांक का, कौन से दिनांक का, सेवा में, नेक्स्ट लाइन सेवा में, सो इधर से कॉमा होने के बाद बाद में सेम लाइन से आना चाहिए। बात है कि और इधर से लिखेगा, एक इधर से लिखेगा, एक इधर से, सेम लाइन से आना चाहिए। सो आने के बाद में नेक्स्ट लाइन से पहले में जो सेवा में है जो लिखा है वैसे ही इधर भी आना चाहिए महोदय। ओके, बाद में इधर से कॉमा होने के बाद इधर से आप कितने लाइन लिखेंगे, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। सो बाद में बीच में लिखेंगे धन्यवाद और आपकी आज्ञाकारी छात्र, जो आपका रोल नंबर है और आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं उसके बारे में। ओके, सो ये लीव लेटर का आपका फॉर्मूला है वो आप जानेंगे। और बाद में आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, किसको लिखने के लिए आएगा। आप एग्जांपल, एक एग्जांपल में एक लेटर लिखिए, मैं बोलती हूँ कि आपकी ये आपकी दीदी की शादी है ना, सो मैं क्या लिखेंगे, मेरे घर पर बुखार अंटे फीवर वाला नाकू को 2 डेज ने राख पोलेदु, ఫీవర్ వల్ల నేను 2 డేస్ రాలేదు స్కూల్ గురించి నేను లెటర్ రాస్తున్నాను। సేమ్ ఎలా రాస్తారు, చుట్టి పత్ర, సో ఆప్క విలేజ్ కా నామ్, ప్రధాన అధ్యాపక్, వేదా ఇంగ్లీష్ మీడియం, కుగుర్పల్లి మహోదయ। సో ఖాళీ మ్యాటర్ చేంజ్ కర్నా హై, సో మ్యాటర్ చేంజ్ కర్కే ఏక్ ఎగ్జాంపల్ ముజే, ఏక్ గల్లత్ రహేగా తో భీ చలేగా, పర్ ఎగ్జాంపల్ ముజే ఏక్ ఆప్ బుఖార్ కే వజహ సే, బుఖార్, బుఖార్ మీన్స్ ఇంజరీ, బుఖార్, ఓకే, బుఖార్ అంటే ఇంజరీ, జ్వరం, జ్వరం వల్ల నేను 2 డేస్ రాలేదు, ఓకే, జ్వరం వల్ల నేను 2 డేస్ రాలేదు, అది చేంజ్, మ్యాటర్ చేంజ్ చేసి చూద్దాం ఎవరు రాస్తారు, ఈ వాట్సాప్ లో నాకు పంపించండి। ఒకవేళ బుఖార్ వల్ల కాదు, సర్ది, బుఖార్, లేదా ఇంకొక ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాలని అనుకుంటే కూడా చేంజ్ చేసి నాకు రాసి చూపెట్టండి। ఎవరు రాస్తే చూడండి, ఇప్పుడు ఎనీ మెంబర్స్ 7th క్లాస్ లో ఉన్నారు, ఆ లెటర్ ని చేంజ్ చేసి రాయగలుగుతారంటే గైడ్ లా చూసుకోండి కాదు, మీ ఓన్ గా తయారు చేసి చేయండి, నాకు రాసి చూపెట్టండి। సో ఆల్ ఆఫ్ యు థాంక్యూ।